प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का आगाज कर दिया है, जिससे कि जाहिर सी बात है ऐसे कई सारे ऐलान किए हैं जिसमें से ये लग रहा है कि जब स्टार्टअप इंडिया यानी जो स्टार्टअप्स हैं उनकी एक तरह से जिंदगी बदल जाएगी या फिर जो एक सहूलियत की जो मांग कर रहे थे काफी समय से वो सहूलियत उन्हें मिलेगी। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टाई सिलिकन वैली के प्रेसिडेंट वेंकटेश शुक्ला। स्वागत है सर आपका इस खास शो के अंदर। धन्यवाद। अब सबसे पहले समझना चाहेंगे आपसे कि स्टार्टअप की लगातार काफ़ी समय से बात चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी ज़्यादा ऐलान किए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, जब आप इस स्टार्टअप की दुनिया में आए थे, तब क्या इतनी सहूलियत थी जितनी कि आज सहूलियत की बात कही जा रही है? भारत अब तीसरे नंबर का एक बेस्ट स्टार्टअप डेस्टिनेशन माना जा रहा है, आपके समय में वो स्टार्टअप की वो सहूलियत थी? हमारे समय ये था कि आप किसी को जो है किसी को आप हायर करने के लिए जाते थे तो लोग आते नहीं थे, इसलिए नहीं आते थे कि स्टार्टअप जो है वो रिस्की है और उसमें वो स्टेटस सिंबल नहीं था। स्टेटस सिंबल में था कि आप IBM के लिए काम कर रहे हैं या किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो दिक्कत बहुत होती थी। और होशियार बच्चे जो हैं कॉलेज से निकलने के बाद वो बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, वो गोल्डमैन सैक्स जाएंगे, मैकिंजी जाएंगे, वो IBM जाएंगे, एक्सेंचर जाएंगे, पर वो छोटी कंपनी में नहीं जाते थे। अब माहौल बदल गया है। अब जो है अब जो माहौल बदला है ये देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो आज जो कुछ भी हो रहा है, फोकस जो हो रहा है स्टार्टअप्स पे, ये जो है दिस विल कम्प्लीटली चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ डेवलपमेंट of the country. आप स्टार्टअप करना चाहते थे या फिर आप भी कहीं बिजनेस करना चाहते थे या फिर कहीं पे जॉब करना चाहते थे या फिर कोई ऐसी सोच आई कि एक स्टार्टअप में मुझे कुछ करना चाहिए? आपकी शुरुआत हुई कैसे? मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो खानदानी जो है नौकरी पेशा आदमी हूँ। आज तक हमारे खानदान में मेरे ख्याल से पिछले 2000 साल में किसी ने कोई धंधे वंदे की बात नहीं की। हम लोग तो पाठ फाट पढ़ो और नौकरी करो वाले लोग थे। हम तो मैं भी जो है कॉलेज से निकलने के बाद मैंने यहाँ सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद जो है अमेरिका जाना पड़ा श्रीमती जी की वजह से, और वहाँ भी जो है मैं बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता रहा। वही है कि माहौल वहाँ का ऐसा है कि मुझे जो है लगा कि बड़ी कंपनी में जो है एक काम करने से जो है बहुत लिमिटेशंस हैं, और उसका जो है धीरे 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 जो है मुझ पर जो है उस पर उसका तनाव बढ़ता गया। तो एक दिन जो है फिर उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है। और छोड़ के एक रिस्क लिया, एक छोटे स्टार्टअप में ज्वाइन कर। और आई थिंक वो स्टार्टअप आज दुनिया भर में मशहूर है और उसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझना चाहेंगे, भारत आज स्टार्टअप के लिहाज से कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है? ग्लोबल लीडर्स या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल स्टार्टअप है, वो आज इंडिया को जो स्टार्टअप डेस्टिनेशन किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है अभी उस मोड़ पे है कि यहाँ से जो है अगर काम ठीक ठाक चलता रहे तो अगले 20-30 साल तक की जो है निरंतर आर्थिक प्रगति जो है वो निश्चित है। उसमें बस ये आप ये टिंकर कर सकते हैं कि वो ग्रोथ रेट जो है वो 6% होगी कि 10% होगी, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो ज़बरदस्त होगी बाकी सभी देशों के मुकाबले में, ये बात पक्की है। तो उसकी वजह से क्या है, देश भर दुनिया भर के लोग जो हैं वो चाहते हैं यहाँ के इन्वेस्ट करें जी। लेकिन फ़र्क ये है कि हम दो बार पहले भी इस स्थिति में रह चुके हैं। दो बार पहले भी ऐसा जिसको कहते हैं फॉल्स स्टार्ट, वो इंडियन इकोनॉमी का रहा है, जिसमें पूरी दुनिया वाले जो हैं वो चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े और हम लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दिस बार जो है वो फिर से तीसरी बार और दुनिया का ज्यादा ध्यान जो है भारत पे आ गया है जी। लेकिन इस बार लीडरशिप काफी ज्यादा अलग है, एक भारी मैंडेट के साथ में सरकार इस समय पे है और आई थिंक काफी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से जो ऐलान किए स्टार्टअप कैंपेन को लेकर के, आई थिंक जिस तरह से जो राहत दी है टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर के, ये शायद स्टार्टअप के जो मन की बात है वो उन्होंने छीन ली, मुझे तो इस तरह का लग रहा है। मैं इससे आपको एक लेवल जो है ऊपर ले जाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने जो है ये 5% किया या 10% किया या ये किया वो के, वो तो सब डिटेल्स की बात है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार है कि जब गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट टू द कंट्री। दिस इज
the most profound development. Profound किस लिए है बताता हूँ आपको. गरीबी जो है 70 साल से देश में जो है गरीबी दूर नहीं हुई है. हमने गरीबी हटाओ भी कह दिया, नेशनलाइजेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया. इसलिए नहीं दूर हुई क्योंकि गरीबी हटती तभी हटती है जब वेल्थ बढ़ता है. गवर्नमेंट्स डू नॉट क्रिएट वेल्थ, गवर्नमेंट्स डू नॉट क्रिएट वेल्थ, बिग कंपनीज डू नॉट क्रिएट वेल्थ. वेल्थ इज जनरेटेड ओनली थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. एंड देश का दुर्भाग्य है कि ये जो है ये जो आज हुआ जो आज से 70 साल पहले होना था, तीन जन पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो गई इस देश की. अब जाके जो है देश को ये समझ आई है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट. तभी शायद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अभी देखिए कि अब तक ये रूल्स कैसे थे. अगर आप जो है देखिए स्टार्टअप जो हैं वो जॉब्स क्रिएट करती हैं और अगर सफल हो गई तो वेल्थ को जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है. इन्फोसिस एक स्टार्टअप था, स्टार्टअप था जब पब्लिक हुई सैकड़ों लोग करोड़पति हो गए वहाँ, सैकड़ों. तो आप ये सोचेंगे कि देश के लिए जो है ये तो बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस तरह के स्टार्टअप्स खोलें. लेकिन आज की हालत में ये है, आज के अनाउंसमेंट के पहले ही हाल ये था, अगर आप उसमें जाएं, अगर आप उसमें पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट में और पैसा बनाएं तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. लेकिन अगर आप उसमें दें किसमें, अगर आप स्टार्टअप्स में लगाएं तो 70-80% चांसेस कि स्टार्टअप फेल हो जाएगी और पैसा वापस मिलेगा तो अगर मिला भी अगर 8-10 साल बाद जाके मिलेगा उसमें आप टैक्स दीजिए. तो आप देखिए नेशनल प्रायोरिटी जो है वो कितनी डिस्टॉर्टेड थी. वो इस वजह से नहीं कि नेशनल प्रायोरिटी कहती थी कि स्टार्टअप्स को पनिश करो, नहीं, इट वॉज नेग्लेक्ट, इट वॉज लैक ऑफ विजन. वेन यू फोकस, वेन यू से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट टू द कंट्री, देन यू डू द थिंग्स दैट यू डिड टुडे. लेकिन प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐलान ऐसे किए, जैसे कि लगातार बात चल रही थी कि 90 दिन के अंदर एग्जिट रूल आपके लिए आएगा, तो जैसे एंट्री है स्टार्टअप के लिए एग्जिट भी उसके लिए बनाया गया, साथ साथ फाइनेंसिंग के लिए काफ़ी सहूलियत दी गई, बैंक सब आगे भी आएंगे, एक तरह से एक फंड बनाने की बात कही गई है. ये जो तमाम जो एक अनाउंसमेंट किए गए प्रधानमंत्री ने, क्या ये एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा जिसमें स्टार्टअप के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी यहाँ से? देखिए इकोसिस्टम तो जो है गवर्नमेंट या बिना गवर्नमेंट के तो बनी रहा है देश में अब. लेकिन अब जो फ़र्क ये हो रहा है, अब जो ये कर रहे हैं, आई थिंक इससे जो है सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने आज की कि एक दिन में जो आप कंपनी शुरू कर लें और 90 दिन के अंदर जो आप बंद कर लें. आजकल ये हाल है कि जो है 5-5, 6-6 साल जो है कंपनी फेल हो चुकी रहती है और बुक्स में चलती रहती है, तो उसमें एनर्जी जो है डेट कंपनी में लगी रहती है उसमें. तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. इसके अलावा जो टैक्स वैक्स को दे रहे हैं और फंड वंड जो खोल रहे हैं वो तो सब वो एक सिंबलिज्म वाली बात हो सकती है. लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे निकल करके आती है, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात कही है, एक स्टार्टअप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के अंदर 3 घंटे के अंदर अपना स्टार्टअप रजिस्टर कर लेता है, एक स्टार्टअप को एक रियलिटी बना देता है, जो मैं पढ़ रहा था रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार. लेकिन वही स्टार्टअप जब इंडिया के अंदर अपना स्टार्टअप खोलने जाता है, रजिस्टर करने जाता है, तो उसे 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं. एक जो ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसकी इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. गवर्नमेंट इस समय पर क्या कर सकती है कि जिससे कि ये जो एक लंबी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो सके? तो आज उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो बड़ी खुशी मुझे सुन के कि आपने मोबाइल फ़ोन पे जो है एक पेज का जो है आप फॉर्म भरिए और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी. ये तो दिस इज़ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. और 90 दिन के कंपनी फेल हो गई अगर तो 90 दिन के अंदर जो है वो बंद भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है. दोनों जो है इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा. अच्छा, जो इंक्यूबेटर्स की लगातार बात कही जा रही, प्रधानमंत्री ने हालांकि अनाउंस भी किया है कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए इंक्यूबेटर्स होंगे, आज फोकस केवल आईटी सेक्टर के ऊपर रहता है. अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, अलग अलग सेक्टर में इंक्यूबेटर की बात कही है. इंक्यूबेटर की जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक ग्रूम करने के लिए आपके आइडिया को एक इंक्यूबेटर होना चाहिए, ये किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस समय पर? देखिए ऐसा है कि इंक्यूबेटर एज अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट इज बेसिकली एन आइडिया वेयर सम एंटरप्रेन्योर जिसके पास कुछ आइडिया तो है पर इसके अलावा कुछ नहीं है, वो वहाँ जाके फिर जो है उसको रिसोर्स अगर अवेलेबल हो तो वो जाके
उसको सवाल मिल जाए कि भाई लीगल कैसे करते हैं और कंपनी कैसे शुरू करते हैं और फाइनेंसिंग कैसे रेस करते हैं और कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ मिल जाए, यहाँ से दो पांच लोगों से बात बात कर ले। तो ये जो इनक्यूबेटर का ये काम है, अब इनक्यूबेटर ज़रूरी नहीं केवल आईटी का हो, हर तरह के इनक्यूबेटर होते हैं। अब वो जो है जैसे कि अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इनक्यूबेटर खुल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो स्कोप ऑफ दिस थिंग इम्प्रूवमेंट इज एवरीवेयर। अपने यहाँ तो करोड़ों समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं लेकिन खुशी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उसके टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, आप छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जैसे कि इरीगेशन है, राइट, ड्रिप इरीगेशन से ऑलरेडी जो है 70-80% जो है वो पानी की बचत हो जाती है। अब उसमें जो है आप सोचिएगा, अब सेंसर इतने सस्ते हो रहे हैं कि अगर हर प्लांट में एक सेंसर लगा दिया जाए, और सस्ते हो रहे हैं आजकल सेंसर्स, तो हर प्लांट में एक सेंसर लगा दें तो जिसमें आपको जो है जनरल ड्रिप इरीगेशन करने के बजाय वो स्पेसिफिक ड्रिप इरीगेशन, बिल्कुल वो अपने कि उस पौधे को जो है कितना पानी चाहिए वो उसको दे दे बस। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इसलिए ये मुद्दा भी उठाना चाहूँगा, साउथ कोरिया जैसा देश, चाइना जैसा देश, यूएस जैसा देश, इंटरनेट लाइटनिंग स्पीड होती है, आपने क्लिक किया और वहाँ पे आपका नेट, आपका ब्राउज हो गया, बैंडविड्थ काफ़ी स्ट्रांग रहती है। इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे अभी भी रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट नहीं पहुँचा है, स्टार्टअप्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपका डिजिटल इंडिया वो एक सक्सेसफुल होना भी बाकी है, डिजिटल इंडिया पूरी तरह से इंप्लीमेंट होना बाकी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव तक पहुँचना भी बाकी है, ऐसे में स्टार्टअप्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, क्या इनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट होगी अगर डिजिटल इंडिया ग्रो नहीं कर पाता है तो? आपने बहुत बड़ी बहुत मौके की बात की। जिस तरह से जैसे आम बिजनेस के लिए बिजली और सड़क का होना ज़रूरी है, पोर्ट्स के होने ज़रूरी है, उस तरह से जो है टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए जो है ये इंटरनेट की फैसिलिटी ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और देखिए उसका जो है पुराने आप अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उन्होंने जब टेलीकॉम डीरेगुलेशन किया था तो उसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम को कोई अपफ्रंट उन्हें पैसे नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि आप शुरू कर दो, आप रेवेन्यू शेयर करेंगे, अगले 10 साल में जो है आप इतना परसेंट हमको दे दो रेवेन्यू का अपना। गवर्नमेंट ने उसमें ज़्यादा पैसा कमाया और फ़ायदा ये हुआ कि जितने टेलीकॉम कैरियर्स थे उनके पास कैपिटल बचा था इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, अपने टावर और में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो है नया जो सिस्टम जो है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें उस स्पेक्ट्रम को बेचना शुरू कर दिया। अब बेचना शुरू किया उन्हें उनका और राजा साहब का जो है अपना जो आप सुने ही आप सब लोगों ने, तो उसमें करप्शन हुआ। तो नई गवर्नमेंट जो है तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऑक्शन करेंगे उसका, लेकिन ऑक्शन जो होता है इतनी प्राइस जब देते हैं टेलीकॉम कैरियर्स और उसका पैसे नहीं बचा उनके पास अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने का। तो अगर ये जो है अगर इसका जो है और वाजपेयी जी वाला अगर इसका मंत्र रहेगा इसमें चलता कि आप कैरियर से जो है आप रेवेन्यू शेयर करें लेकिन उनसे जो है पैसा फंड ना लें, तो उसमें जो है मेरे ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है। आपके जवाब ने मुझे अगले सवाल पे जाने के लिए प्रेरित कर दिया है, नेट न्यूट्रलिटी का। दुनिया भर में नेट न्यूट्रलिटी की बात इस समय पर चल रही है, सिलिकॉन वैली से जुड़े हुए हैं, टाई से जुड़े हुए, क्या कुछ आपका मत रहता है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के? क्या स्टार्टअप के लिए एक डैम्पनर साबित हो सकती है या फिर लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा एक लंबे समय के अंदर? देखिए ये तो बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट है और यू नो एनीथिंग दैट लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी और एनीथिंग दैट लिमिट्स द चॉइस फॉर अ कॉमन सिटीजन और फॉर अ स्टार्टअप इज नॉट गुड फॉर इंडिया। ठीक है, आपने ये स्टार्टअप की हम लगातार बात करते जा रहे हैं, अब जो लगातार आपको इस समय देख रहे हैं स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आप ये बता दीजिए कि अगर स्टार्टअप किसी को शुरू करना है, ग्रूम करना है, कहाँ अप्रोच करें, किस तरह से करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ में आपके मंतव्य के अनुसार? यू नो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो बात तो ये है कि केवल आइडिया अलोन इज़ नॉट इनफ, आइडिया को लेके उसका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, टीम की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला जो है उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि टीम, दो तीन की टीम वगैरह जो साथ में रहे तो उस पर ज़्यादा सफलता की गुंजाइश रहती है। तो वैलिडेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने जो है कोई आइडिया है कि भाई ये समस्या का समाधान करना है मुझे, तो आप जाके लोगों को पता तो करिए
कि वाकई उनकी समस्या है कि नहीं है। अगर वो उसके समस्या को अगर समाधान किया तो उसका लोग उसके बदले में पैसे देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह का जो है ये ज़रूरी हो जाता है, और ये सब हो गया शुरू तो डिपेंडिंग ऑन आपका किस तरह का बिजनेस है, तो आप अपने भाई भतीजे माँ बाप रिश्तेदार पड़ोसी वड़ोसी सबसे जो है थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उसको चलाइए, उसको यू नो। आप स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, आपने कई सारे स्टार्टअप्स को बनते और बिखरते हुए देखा होगा। एक बड़ा चैलेंज एक स्टार्टअप के लिए क्या रहता है, क्या कैपिटल रेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक नए स्टार्टअप के लिए, या फिर टैलेंट को अपने पास बरकरार रखना, ग्रूम करना उस टैलेंट को इसी कंपनी के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कंपनीज के लिए? दिस डिपेंड्स ऑन द टाइम्स। जब इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो रिटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोग आपके साथ रहेंगे। जैसे 2008-2009 में जो हालत हुई थी दुनिया भर में, तो टैलेंट रिटेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। उसमें रेजिंग कैपिटल इज अ बिग प्रॉब्लम। अब का जो माहौल बना है तो उसमें जो है कैपिटल रेज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि टैलेंट को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना है। तो बोथ दीज थिंग्स इज आर साइक्लिकल। आप लगातार फंडिंग से भी जुड़े हुए रहे हैं, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा, एक जो एंजल्स होते हैं जो फंडिंग करते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये एक स्टार्टअप में क्या देखते हैं? क्या केवल एक आइडिया देखते हैं? क्या टीम का वो पैशन है, जज्बा देखते हैं? आखिर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, फंड कर रहे हैं, तो एक नए स्टार्टअप के अंदर आखिर देखते क्या हैं? यू नो मासायोशी सान जो था दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर हैं, आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। एंजल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो है वो इमोशन के बेसिस पे करते हैं, और इमोशन इज लाइक फॉलिंग इन लव, उसको आप एनालाइज कर ही नहीं सकते। आप यानी बिजनेस पसंद आया किसी भी रीजन की वजह से, आप प्यार में पड़े और आपने पैसा लगा दिया, वो तो आपने बात 2 मिनट 30 सेकंड में जो है किसी ने जजमेंट कर लिया कि आदमी बड़ा ठीक लगता है। हाँ। ये जज्बा है, एम्बिशन है, इसको दे दिया जाए पैसा। और कुछ में ऐसा है कि आप जो है आप मीटिंग में मीटिंग लेते रहिए और दुनिया भर के उनके प्लान वानों देखते रहिए, इसके बावजूद भी जो है लगता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो दिस एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर इमोशनल, दे मेक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन इमोशन। ओके, बट हियर इज द डिफरेंस, गुड एंजल इन्वेस्टर्स हैव सीन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन का, कि अगर आपने सैकड़ों जो देखा है, तो जैसे पुलिस वाले कहते हैं ना कि वो तो चेहरा देख के बताते हैं कौन क्रिमिनल है, तो वो जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन का जो है वो आने लगता है इंस्टिंक्ट, और हमेशा सही नहीं रहता, वो गलत भी रहता है, लेकिन वो पैटर्न रिकॉग्निशन का इंस्टिंक्ट आता रहता है, तो उसमें जो है वो लोग जजमेंट यू कैन मेक क्विकली। लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन एकेडमिक्स की लगातार बात चलती है, क्या आपका ये मत बनता है या आप ये सोचते हैं कि स्टार्टअप को आपके एकेडमिक्स का भी पार्ट होना चाहिए, यानी स्कूल की जो करिकुलर एक्टिविटी जैसे इंडिया के अंदर है, स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करें उसमें स्टार्टअप एज अ कोर्स होना चाहिए, पढ़ाई के तौर पर होना चाहिए? ऑल्दो स्टार्टअप को थियोरेटिकली नहीं समझाया जा सकता, लेकिन क्या वो एक आदत बन सकती है, बच्चों को बचपन में ग्रूम किया जाए, तो क्या पढ़ाई के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से आप एक एंटरप्रेन्योर को ग्रूम कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, भले आप ग्रूम ना कर सकें लेकिन कम से कम उनको जो है बताया जा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप चीज होती क्या है, उसका उसके जो है फेजेस या स्टेप्स क्या क्या होते हैं, और अगर करना हो तो कहाँ मदद मिल सकती है, किस इनक्यूबेटर में, किस उसमें, कहाँ जाके, तो ये जो है उसका फ़ायदा का होगा। लेकिन कोर्स करने के बजाय ज़्यादा अच्छा ये हो अगर हर कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योर क्लब हो, जिसमें लोग अपने जो है प्लान अपने करें, कंपटीशन हो, वहीं की जज हों, और वहीं की लोकल कम्युनिटी वाले जो हैं उसमें कुछ अवार्ड वार्ड, कुछ बिजनेस प्लान अवार्ड वगैरह कुछ दो, तो ये जो करने से जो होता है, जो सीखते हैं लोग, वो पढ़ने से उतना नहीं सीखते हैं, और करने से जो है फिर वो उसमें जो है मन लगा रहता है, और टीम बना दें, तीन तीन की टीम बना के काम, इस तरह का जो है सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स हो जाए, तो इट्स अ कोर्स, बट द कोर्स इज You do it and you come up with a plan and you solve some problem. समय थोड़ा कम रह रहा है हमारे पास में, शुक्ला जी अगर ये इस चीज़ को समझना चाहें, स्टार्टअप शुरू हो गया मान लीजिए, कब एक स्टार्टअप कंपनी ये मान ले कि खराब समय चल रहा है, स्टार्टअप नहीं चल रहा,
बिजनेस को वाइंड अप करने का समय आ चुका है, 90 दिन का विंडो का इस्तेमाल करें और एग्जिट कर जाए, क्या वो दौर होता है? क्योंकि कई बार स्टार्टअप नहीं मानते कि हमारा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, हमें अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट करनी चाहिए और लगानी चाहिए, तो वो कौन सा समय ऐसा आता है? क्योंकि आपने कई सारे स्टार्टअप्स को देखा हुआ है। आपको जो है लगता है स्टार्टअप के बारे में जो है बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। तो ये जो है स्टार्टअप शुरू वो करता है जिसमें थोड़ा ढीठपन होता है कि पूरी दुनिया जो है वो गलत है और मैं सही हूँ। तो ढीठ लोग जो होते हैं इस तरह के, तो दिस वेरी फाइन लाइन बिटवीन स्टबर्न पर्सन एंड स्टूपिड पर्सन, वेरी फाइन लाइन, एंड दैट फाइन लाइन कीप्स चेंजिंग। तो इट्स वेरी हार्ड टू नो कि कब आपने लाइन क्रॉस कर दी। बट आई थिंक यू हैव टू हैव द पैशन, यू हैव टू हैव द कमिटमेंट, एंड यू हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन कि पूरी दुनिया कहते रहे कि बेवकूफ़ है, इस तरह से कभी नहीं हुआ है, अब तू क्या करेगा? और क्या सर, तू कोई रतन टाटा का बच्चा है कि कहाँ से क्यों कर लेगा कुछ? जिंदगी में तेरे खानदान में किसी ने कुछ नहीं किया, नौकरी कर, राइट? तो जब दुनिया के लोग आप ये कर रहे हैं और आपने शुरू किया है, तो आपकी तो आदत है दूसरों को नहीं सुनने की, तभी तो आप यहाँ आपने शुरू किया है। तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि टीम हो। अगर टीम हो, दो तीन की टीम हो, फाउंडिंग टीम, तो उसमें आपस में डिस्कशन वगैरह करने से जो है इन चीज़ों का जो है वो को आगे पीछे उसका जो है उसका जो है निकल आता है। चलिए ये भी समझना चाहूँगा, इस समय पे जो पूरा ग्लोब है, आप चूंकि प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली भी गए हुए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव उनको रिस्पांस मिला है, इस समय पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स किस तरह से देख रहे हैं, और स्टार्टअप इंडिया कैंपेन आपको क्या लगता है यहां से कितनी दूर और जाएगा? क्या यूएस को पछाड़ पाएगा? तीसरे नंबर पे तो भारत आ चुका है, क्या वो पोटेंशियल है कि इंडिया यूएस से भी आगे निकल जाए स्टार्टअप के मामले में? सबसे बड़ा जो एसेट जो इंडिया का है वो यही है, वो करोड़ों दिमाग है। तो अपॉर्चुनिटी तो पूरी है, एंड इट्स नॉट रियली अ कंपटीशन। होता ये है कि दोनों को फायदा होता है, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ जीरो सम गेम। जब एक देश दूसरे देश से जब ट्रेड करता है, तो दोनों ज़्यादा धनवान हो जाते हैं। जो सबसे कम ट्रेड करते हैं वो सबसे गरीब मुल्क हैं। आप देखिए नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है जी, पाकिस्तान का क्या हाल है। जो जितने ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो उतने ज़्यादा धनवान रहते हैं। तो क्या इंडिया में जो है अमेरिका से ज़्यादा स्टार्टअप हो सकती हैं? एब्सोल्युटली। क्या या इंडिया की स्टार्टअप्स जो हैं दे वुड बी मोर वैल्यूएबल देन स्टार्टअप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली। So that I have no doubt in my mind that we are कि उस पास पे जो हम लोग चल चुके हैं। अब कई लोग जो आपको इस समय सुन रहे हैं, जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कई लोग आपको आइडियल भी मानते हैं, ऐसे लोग अगर आपको भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि गुप्त वंश जो है, गुप्त साम्राज्य जो है, वो भारत का स्वर्ण युग था। बिल्कुल गलत है। भारत का स्वर्ण युग तो अब आने वाला है। So this is the opportunity. चलिए शुक्रिया वेंकटेश हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और स्टार्टअप इंडिया के बारे में इतनी कुछ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे वेंकटेश शुक्ला साफ तौर पर कहते हुए कि अब जो युग है वो भारत का युग है, और अब शुरुआत हो चुकी है स्टार्टअप इंडिया के इस कैंपेन की, और यही उम्मीद सब लोग कर रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया कैंपेन एक बहुत लंबी दूरी तय करे और लोगों को रोजगार के साथ साथ नई ऊंचाइयों तक ले जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।